Hello everyone. So today we are going to read The Rime of the Ancient Mariner. Okay, it's a poem. And what kind of poem it is? It's a ballad. I will explain ballad separately to you all. So the first of all, we will discuss this thing about this poem. A very brief gist of the poem. What kind of theme this poem contains? It has been given through these lines. So I will just read it out. How a ship, first of all, the rhyme of the ancient mariner. It's a ballad. Ballad is a kind of poem in which a story is narrated. Okay, ये एक इस तरह की poem होती है जिसमें एक कहानी जो है वो बताई जा रही होती है और कोई प्राचीन समय की कहानी है कोई, ठीक है. ये कहानी इस poem के through बताई जा रही है और ballad एक कविता का ही प्रकार है, ठीक है. जैसे आप सोनेट पढ़ेंगे या फिर लिरिक पढ़ेंगे, ऑड पढ़ेंगे अभी, तो ballad भी एक तरह की कविता को हम कहते हैं. द राइम, राइम मतलब कहानी होती है, उसको बोलते हैं राइम, कहानी जो कि हम कविता के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. द एंशियंट मैनर, एंशियंट प्राचीन, मैनर मतलब नाविक, एक बहुत ही प्राचीन नाविक की, पुराने नाविक की कहानी जो कि कविता के फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे. इन 7 पार्ट्स, ये जो पूरी पोयम है ये कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में. सो जस्ट अंडरस्टैंड इट विद मी. हाउ अ शिप हैविंग पास द लाइन वॉज ड्राइवन बाय स्टॉर्म टू द कोल्ड कंट्री टूवर्ड्स द साउथ पोल. हाउ अ शिप हैविंग पास द लाइन वॉज ड्राइवन बाय स्टॉर्म्स टू द कोल्ड कंट्री टूवर्ड्स द साउथ पोल. कि किस तरह से एक शिप, जहाज जो है वो लाइन को पार करके स्टॉर्म्स के द्वारा, मतलब तूफानों के द्वारा, कहाँ पहुँच चुका है? साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल है ना हमारे, वो साउथ पोल की तरफ बढ़ गया है जो कि बहुत ठंडा भी होता है, ठीक है. एंड हाउ फ्रॉम देंस शी मेड हर कोर्स टू द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ऑफ द ग्रेट पैसिफिक ओशन. और कहाँ से, किस तरह से उस शिप ने, उस जहाज ने अपना रास्ता बना लिया, कहाँ पर? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर. कहाँ, किसके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर? पैसिफिक ओशन पे, प्रशांत महासागर का जो लैटिट्यूड है, जो उसकी ऊंचाई है, वहाँ पर वो पहुँच गया है जो हमारा जहाज है. और कैसे पहुँचा? तूफान के द्वारा. हाउ द एंशियंट मैनर क्रूअली, किस तरह से जो हमारा प्राचीन नाविक है उसने बहुत ही निर्दयता के साथ, एंड इन कंटेम्प्ट ऑफ द लॉज ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और किस तरह से जो कि हमारे मेजबानी के जो नियम होते हैं उनके खिलाफ जाकर बहुत ही निर्दयता के साथ एक सी बर्ड को मार दिया. एंड हाउ ही वॉज फॉलोड बाई मैनी एंड स्ट्रेंज जजमेंट. और किस तरह से, आप देखिए, जब वो एक सी बर्ड को मार देगा तो किस प्रकार से उसको बहुत ही अजीब अजीब तरह के जजमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने एक मासूम से जानवर को, सॉरी मासूम से पक्षी को मार दिया है. तो अब किस तरह से भगवान का जो जजमेंट है वो उसको झेलना पड़ेगा, या किस तरह की विपत्तियां उसके सामने आएंगी, वही ये जो हमारी पोएम है वो बताएगी. एंड इन व्हाट मैनर ही केम बैक टू हिज ओन कंट्री, और किस प्रकार से वो अपनी ही कंट्री में वापस आ पाएगा. ओके, सो नाउ विल रीड द पोएम. This is the first part. As I have already told you that this poem is in 7 parts. So this is the first part. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three by the long, thy long grey beard and glittering eye. Now wherefore stoppeth thou me? Okay, an ancient mariner meeteth three gallants bidden to a wedding feast and detaineth one. जो ancient mariner है वो किसी अभी शादी में गया हुआ है. वो क्या करता है, वो gallant मतलब बहुत ही अच्छे दिखने वाले पुरुष जो होते हैं उनसे मिलता है, तीन पुरुषों से, है ना. और वहाँ पे bidden to wedding feast and detaineth one, है ना, जो कि कहाँ जा रहे हैं, शादी का खाना खाने जा रहे हैं. वेडिंग मतलब शादी, फीस मतलब जो भोज होता है शादी का. एंड डिटेन वन, डिटेन मतलब रोक लेना, एक को वो उनमें से रोक लेता है. कौन? एंशियंट मैरिनर. इट इज एन एंशियंट मैरिनर एंड स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री, है ना, ये हमारा एंशियंट मैरिनर है और उसने उन तीन युवकों में से एक को रोक लिया. बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयर फॉर स्टॉपेथ दो मी. यहाँ पे आप यू नो वेन एवर यू आर स्टडिंग अ पोयम और अ पीस ऑफ लिटरेचर और ड्रामा और एनी थिंग, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज और द काइंड ऑफ इंग्लिश दीज पोइट्स आर यूजिंग, यू नो, बिकॉज दिस पोयम बिलोंग्स टू दिस पोएम बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी. ओके, 17th सेंचुरी से बिलोंग करती है, रोमांटिक एज से बिलोंग करती है ये पोएम. तो आप देखिए किस तरह के शब्द इसमें यूज किए जा रहे हैं. दो, दाई, ये सब आपने शेक्सपियर में भी पढ़ा होगा अगर पढ़ा है पहले. तो यहाँ पे देखिए, बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयर फॉर स्टॉप इट दो मी. तुमने अपनी ये लंबी ग्रे धाड़ी और चमकती हुई आंखों से मुझे क्यों रोक लिया है यहाँ पर? वो जो जिस आदमी को उसने रोका है, जिस थ्री मैंस में से एक को उसने रोका है, वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, किससे? एंशियंट मैरिनर से. ओके,
द ब्राइडग्रूम डोर आर वाइड ओपन एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन. ओके, वो क्या कह रहा है कि जो हमारा दुल्हा है उसके लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और मैं उनका रिश्तेदार हूँ, है ना, मैं ही अगला रिश्तेदार हूँ उनका. किन मतलब रिश्तेदार. द गेस्ट आर मेड, द फीस्ट इज सेट, मेयर्स हियर द मैरिडन, है ना, जो हमारे सभी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो भी मिल चुके हैं, आ चुके हैं, और फीस्ट मतलब जो खाने का भोज है वो भी तैयार कर दिया जा रहा है, और मुझे अभी शादी की जो सहनाइयाँ हैं वो भी सुनाई देने लगी है.